हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। JEE मेंस के कुछ रिवीजन क्वेश्चन करते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है ना। तो मेन बात ये 2019 का क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे मेन बात क्या होती है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो दिया, और देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एन, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच इज़ अल्फा बीटा, अल्फा अपन बीटा होल पावर एन इज इक्वल टू वन दिया। तो यहाँ पे मेन बात क्या होती है, एन की वैल्यू अपन को निकालनी है, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इक्वेशन क्या दे रखा है अपन को, एक्स स्क्वायर और टू एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो, ये अपना इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को फैक्टराइज होता क्या देखना चाहिए, फैक्टराइज होता क्या हो जाएगा मेरे ख्याल से, अगर फैक्टराइज होता तो अच्छी बात है, अगर फैक्टराइज नहीं होता तो अपन सिंप्लीफाई करके देखते हैं फैक्टराइज होगा क्या। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है अपन को, टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अगर अपन को मल्टीप्लाई करें तो टू एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, और ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, माइनस टू एक्स आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। तो फैक्टराइज नहीं होगा तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल सी बात, क्या लिखेंगे इसको, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर और प्लस वन लिख सकता, ठीक है, क्योंकि देखो इज इक्वल्स टू जीरो। ये कैसे क्यों लिखा, मतलब यहाँ पे देखो, साइड में बता देता आपको, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, वन प्लस वन कितना टू, तो ये फॉर्म में ऐसा लिख सकता मैं, ठीक है ना। इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाया, ए माइनस बी होल स्क्वायर सॉरी, और उसके बाद ऐसा लिखा, तो यहाँ पे एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो ये फॉर्मेशन बन गया। तो यहाँ पे सबसे पहले मेन बात देखते हैं कि एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा अपन को, अगर इसको उधर भेजने के बाद माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। अगर माइनस वन होने के बाद अगर उधर भेजेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर जो बचा है, अब ये दोनों को अगर अपन ने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो क्या आ सकता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के तो क्या आ सकता है आपको, यहाँ पे इसका रूट हट जाएगा और इसको लग जाएगा रूट, माइनस वन स्क्वायर मतलब प्लस वन हो जाता है, प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको अपन रूट स्क्वायर कर दे तो ये माइनस है ऑलरेडी, इसको अगर स्क्वायरिंग कर दे तो प्लस आर माइनस वन हो जाएगा, तो प्लस आर माइनस वन हो जाएगा, तो प्लस आर माइनस वन मतलब ये एक्चुअली क्या, माइनस वन मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अगर रूट लगने के बाद अंडर रूट प्लस आर माइनस वन हो गया तो प्लस आर माइनस वन बोलो, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, अगर अंडर रूट डालने के बाद अंडर रूट माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन मतलब किसकी वैल्यू होती है, आयोटा हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे मेन बात क्या आती है, एक प्लस एक माइनस आयोटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस वन इज इक्वल टू, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद इसका माइनस वन बोलते आयोटा हो जाता है, तो अभी ये क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर डालने के बाद माइनस आयोटा एक लिखेंगे और उसके बाद एक प्लस आयोटा लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस वन हो जाएगा, और दूसरा अगर प्लस लेते हो तो प्लस आयोटा प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो दो वैल्यू हो गए यहाँ पे, अपन ये दो वैल्यू एक को अल्फा समझेंगे एक को बीटा समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा ले लूँगा और बीटा इज इक्वल टू मैं ले लूँगा वन माइनस आयोटा ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे वन माइनस आयोटा लिए तो क्या होता है, अपने पास फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल पावर एन इज इक्वल टू वन है, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल कितना बेटा, वन प्लस आयोटा, और बीटा इज इक्वल टू वन माइनस आयोटा, ठीक है, और होल पावर कितना है, एन है, इज इक्वल टू वन हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मेन बात, इसको अगर अपन करेंगे सिंपल सी बात, तो यहाँ पे अपन सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रैशनलाइजेशन कर देंगे, वन प्लस आयोटा के साथ वन माइनस आयोटा का रैशनलाइजेशन करेंगे, वन प्लस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा, ठीक है, होल पावर एन इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये प्लस भी होल स्क्वायर, ए माइनस भी होल स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, ये ऊपर वाला तो ए प्लस भी होल स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस आयोटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसको अपन क्या लिखेंगे, वन स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एन होल पावर एन हो जाएगा। इसको अगर आप एक्सपेंड करते हो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा, वन स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा, टू आयोटा, ठीक है, और नीचे क्या होगा, वन माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब कितना होगा, प्लस वन हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस है, माइनस टू माइनस प्लस इक्वल टू वन, होल पावर कितना बेटा यहाँ पे, एन होल पावर एन। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, वन होने के बाद सिंपल सी बात, अगर ये आयोटा स्क्वायर मतलब क्या हो जाएंगी, वन माइनस आयोटा हो जाएगा और ये प्लस टू आयोटा हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस वन है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन प्लस वन टू, प्लस वन माइनस वन कटेगा, टू टू कटेगा, ठीक है। टू टू कटने के बाद इधर कितना आ गया बेटा अपन को, आयोटा स्क्वायर होते टू आयोटा, आयोटा बच गया खाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, आयोटा पावर एन इज इक्वल कितना है, वन,
ठीक है, आयोटा पावर एन इज इक्वल्स टू वन बोले तो अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा पावर फोर की वैल्यू क्या आती है बेटा, वन आती है, आयोटा पावर फोर की वैल्यू वन आती है। ये क्यों वन आती है मैं यहाँ पे आपको सिंपल से बता देता सबसे इजी स्टेप्स में। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो बेटा, अंडर रूट ऑफ माइनस आईओ वन मतलब इसकी वैल्यू होती है आयोटा, ठीक है। अगर उसके साथ साथ अगर अंडर रूट ऑफ आयोटा स्क्वायर करना है तो माइनस वन इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, माइनस वन आ जाएंगी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, आयोटा क्यूब इज इक्वल क्या कर सकते हैं, माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आ सकती है, आयोटा स्क्वायर माइनस वन और इंटू आयोटा, तो इसको अपन आयोटा क्यूब क्या लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन लिख सकते हैं, सॉरी माइनस आयोटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा। वैसे ही अगर आपको आयोटा पावर फोर की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, आयोटा पावर फोर मतलब वी हैव टू राइट आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा पावर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस वन इंटू माइनस वन, तो ये कितना आ जाएगा, आयोटा पावर फोर इज इक्वल टू प्लस वन हो जाएगा, तो प्लस वन हो रहा है अपन को यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर कितना है, प्लस वन हो रहा मतलब अपना आयोटा पावर फोर, तो यहाँ पे अपने को एन की वैल्यू क्या है, फोर है, तो यहाँ पे ऑप्शन अपना सी इज इक्वल टू सी ऑप्शन है फोर्थ, दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। बस या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं, नहीं तो फिर अच्छे से भी डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा ये स्टेप ध्यान देना, यहाँ पे प्लस आर माइनस आयोटा लगेगा, माइनस वन मतलब यहाँ पे अपने को आती है आयोटा स्क्वायर, मतलब प्लस आर माइनस डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस आयोटा इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।